सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं वीवो वी नाइन के बारे में। तो वीवो वी नाइन के बारे में सभी कुछ पता चल गया है कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या स्पेस देखने को मिलेगा, इस फ़ोन को कब लॉन्च किया जाएगा और इस फ़ोन की प्राइस क्या हो सकती है। तो सभी कुछ पता चल ही गया होगा, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी फ़ोन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आगे चल के आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि 19:9 स्क्रीन स्पीड के साथ आने वाला है। इसमें आपको आईफोन 10 की तरह ऊपर में एक नोच देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ तो 2018 में आपको बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेगी जिसमें आपको ऊपर में नोच देखने को मिलेगा। भले ही आईफोन 10 या फिर उससे पहले कह लीजिए कि एसेंशियल स्मार्टफोन या फिर शार्प के स्मार्टफोन आपको ये नोच देखने को मिला था, लेकिन 2018 में आपको बजट से बजट डिवाइसेस में ये नोच देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है जो आईफोन 10 कंसिडर नहीं कर सकते उन उन लोगों के लिए। अगर हम लोग बात करें चिपसेट की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 626 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि कंफर्म हो गया कि आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 626 चिपसेट देखने को मिलेगा। तो चिपसेट भले ही पुराना है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 626, लेकिन ये फ़ोन को ऑफलाइन देखते हुए काफ़ी अच्छा से ये चिपसेट परफॉर्म करने वाला है। 4 GB की रैम मिलेगी और 64 GB की यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक हाईलाइट फीचर्स ये भी है कि इसमें आपको डेडिकेट माइक्रो एसडी कार्ड भी दिया जाएगा, मतलब ट्रिपल स्लॉट यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है ऑफलाइन सेगमेंट को देखते हुए। यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, 16 MP प्लस 5 MP का, जो कि एक अच्छी बात है। और आप लोगों को पता है कि वीवो और ओप्पो के फ़ोन ज़्यादा सेल्फी के लिए पॉपुलर है, मतलब सेल्फी फोन से। तो इसमें आपको 24 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि AI टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा से आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड्रॉइड ओरियो के साथ आएगा 8.1, जो कि एक अच्छी बात है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ओरियो देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो 3260 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगी। तो 3260 mAh की बैटरी 6.3 इंच का डिवाइस में मुझे थोड़ी कम लग रही है। एटलीस्ट 4000 mAh की बैटरी देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे आप ये मत सोचिए कि लीक्स और रिमोर्स आए, ये कन्फर्म है, जो कि लीक होकर ओप्पो के वेबसाइट में आ गया है और आपको यही देखने को मिलेगा वीवो वी नाइन में। अगर हम लोग बात करें तो AR स्टिकर यहाँ पर दिया जाएगा, जिस तरह से ई इमोजीज कह सकते हैं कि फिर या फिर आईफोन 10 में आया था, उसके बाद सैमसंग ने भी निकाला, तो उस टाइप के इमोजेस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फेस आईडी दिया जाएगा, मतलब आप फेस लगा के अपना फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस फ़ोन से कर सकते हैं, जो कि एक और ही एक अच्छी बात है। इस फ़ोन की प्राइस क्या होगी, मैं बता दूं कि इस फ़ोन को 27 मार्च की जगह 23 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। पहले ये बताया गया था कि इस फ़ोन को 27 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसके बाद इसे अपडेट करके बताया जा रहा है कि इस फ़ोन को 23 मार्च को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो 23 मार्च तक आप वेट कर लीजिएगा, एक हफ्ते के बाद इस फ़ोन को आप लॉन्च होते हुए देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन की प्राइस की, तो प्राइस बताया जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार के आसपास हो सकती है। अगर 20 हज़ार रुपये इस फ़ोन की प्राइस रही, जो कि नहीं लग रहा है, लेकिन अगर 22-23 हज़ार भी इस फ़ोन की प्राइस रही, तो ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को पता है कि रेडमी के फ़ोन बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन होते हैं और ऑफलाइन भी उसके MI स्टोर से, लेकिन वो सब जगह नहीं है। लेकिन जो वीवो के फ़ोन है, वो लगभग ऑल इंडिया में हर जगह आपको हर एक दुकान में देखने को मिल जाएगी। तो अगर ऑफलाइन के हिसाब से देखें तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है मेरी नज़र में। इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स तो मिले रहे हैं। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 626 मिल जाएगा, जो कि भले ही 2 साल पुराना चिपसेट है, लेकिन ऑफलाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस करने वाला है। बैक में आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, आपको एक डेडिकेट माइक्रो एसडी कार्ड भी दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ओडियो मिलेगा, 4 GB का रैम मिलेगा। रैम मुझे थोड़ी कम लग रही है, एटलीस्ट 6 GB का रैम दे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। तो अगले या फिर कह लीजिए कि 23 मार्च को तो इस डिवाइस को लॉन्च होना ही है इंडिया में, तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं बात करूँ जिस तरह से आपको वीवो वी सेवन प्लस में देखने को मिला, तो वही डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको ऊपर में नोच देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो मेरे वीडियो को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली इसी तरह से टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।